जय हिंद दोस्तों, आज है 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस, और आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर हम भारत की आज़ादी से जुड़ी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों चुना? क्योंकि 1945 में जब दूसरा महायुद्ध शुरू था, तब 15 अगस्त को ही जापान ने अलाइड फोर्सेस को सरेंडर किया था। इसीलिए उस समय के भारत के आखिरी वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उसी दिन को यानी 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस तय किया। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये इरादा था कि भारत को जून 1948 में स्वतंत्र किया जाए, लेकिन 3 जून 1947 की मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र देने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जीता था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये मंजूर नहीं था, और गांधी जी को भी ये लगता था कि भारत का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त 1947 को नहीं, बल्कि 16 अगस्त 1947 को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर किया था। उस दिन हल्की बारिश भी हो रही थी और आकाश में इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहे थे, मानो प्रकृति भी हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रही हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत का तिरंगा पिंगाली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था, जो कि आंध्र प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर थे, और हमारे तिरंगे का डिज़ाइन 6 बार बदला गया है। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारे साथ और 3 देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसमें हैं बहरीन, साउथ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या आप जानते हैं कि 1950 तक हमारा कोई राष्ट्रगान नहीं था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में हमारा राष्ट्रगान लिखा था, जो कि 1950 में नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जनगणमन ये गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किंग जॉर्ज 5 के लिए लिखा था। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स और उनके सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है। आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र हैं। उन सभी क्रांतिकारियों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।